अब मैं क्या करूं, अब तो कहीं नहीं जाऊंगा, अब सिर्फ मैं समझ गया जो हमारे भाग में अन जल लिखा हुआ नहीं है, मैं जा रहा हूं अब खिदली बन, मैं राम नाम सत्यनाम का नाम जपूंगा 12 बरस, और 12 बरस के बाद यदि मैंने जीवित रह गया तो तोरा शरीर हरियर कंचन हो सकता है, नहीं कहीं मृत्यु हो गया तो अति सुंदर। तो सती अपुरा की पुकार है, निशी अधीरात की समय सती क्यों बिलख रही है? मैंने तो उसके साथ सत कर चुका हूं कि जहां तुम्हें विपत्ति पड़ेगा तुम मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे यहां दौड़ते हुए चले जाऊंगा। बाबा मैं आपको प्रणाम करती हूं बाबा, मैं सदा स्वागतवती बाबा, मैं इसलिए रोती हूं बाबा, हमारे पति जी को 12 बरस बीत गया। अच्छा, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, मेरे पास एक संतान नहीं के राजपाट संभालने वाला होगा बाबा, मैं इसीलिए रोती हूँ। सती तू एक पतिव्रता स्त्री है और ये सती पृथ्वी तो सत पर ही चलता है, तुम्हारे जैसी सती नारी अगर ये संसार में नहीं हो तो भला पुरुषों को धर्म कैसे बच सकता है? आहे गंगा या सा लनवान है है।
महाराज। हाँ सती। क्या आपका है, मुझे समझ में नहीं आई। तुम्हें पुत्र चाहिए तो प्रतिदिन सूत उठ करके गंगा स्नान करना, मेरे नाम से आवाहन कर तुलसी में जल चढ़ाना, दुभी खोट के फलहार करना, उसके अंश से तुम्हारे एक पुत्र का प्राप्ति हो सकता है। लेकिन बाबा, हाँ, मेरे पति तो यहाँ है नहीं। अच्छा, क्या वो दल फूल से ये हमें लड़का पैदा लेगा? हाँ, तो गांव वाला क्या सोचेंगे? अरे पिटर, ये गांव वाले क्या सोचेंगे? मर्दे के बुझाइए, ससुरारे में की सूतर है बाबा। वो गांव वाले क्या सोचेंगे कि इसके पास तो पति है नहीं, इसे बच्चा हुआ तो खीरा है अमनिया कोठी जरबई न है। सती वही है, वही जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। परमात्मा जिसे संकट देते हैं उसे सुख भी देते हैं, लेकिन सुख दुख परखना तो इंसान के अपनी भागों के द्वारा होती है। तुम्हारे इस विलाप से यह हमारा ब्रह्मा का ब्रह्मांड हिल चुका है, देवता चैन से सो नहीं रहे हैं। इसलिए जाओ, मैं तुझे वचन देता हूं कि आज ये दल फूल देता हूं, उसे तू संभाल कर रखो, और एक दिन के लिए मैं अभी इस वक्त जाता हूं केदली वन, और बीजू वन से तुम्हारे पति को मैं अवश्य ला के मुलाकात कराऊंगा। मैं आपको प्रणाम करती हूं, सदा सुखी रहो। जिंदगी भर न भूलो हरि, नाम रट के रहो हरचल भरी। श्रीमान मनीष के मम्मी जी ग्राम माधोपुर निवासी, उन बहन के तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। परमात्मा उनके जीवन में किसी प्रकार की संकट नहीं दे, उस संकट दे परमात्मा अपने धर्म से उसे दूर कर देना। मान लिया कृष्ण राय जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार। इस दास के तरफ से बार बार नमस्कार प्रणाम। इस पावन पवित्र जी की जय जयकार। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी भर न भूलो हरि, राम रट के रहो हरि हरि। देखो
विवाह, मैंने पूर्व दिशा की ओर गया तो अभी ज्योति का पता नहीं चला, पश्चिम की में गया पर भी ज्योतिष का पता नहीं चला, उत्तर दक्षिण भी आ चुका लेकिन मैंने तुम्हारा ज्योति को इसी बन में छोड़ दिया। ना जाने कि ज्योति महाराज कहाँ है, परमात्मा तुम्हारी ही असीम कृपा का जब है मालिक, क्या तुम भी आज मुझसे परीक्षा ले रहे हो? मैंने किसी सती नारी को सत बचाने के लिए उसे अपना जुवान दे कर आया हूं, अगर एक दिनों के लिए मैं महाराजा ज्योति को नहीं ले जाऊंगा तो ये दुनिया क्या कहेंगे कि भक्त नीरज कुमार के दादी जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, उनका दादी है तो हमारी भी दादी है। और संसार में तो लोग कहते हैं कि स्त्री से 9 प्रकार की रिश्ता होती है। संत सुन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रामचरित मानस में कि जाको रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखो तीन तैसी। नारी को जिस भावना से आप देखिएगा उसी रूप में वो खड़ी हो जाएगी। अगर माँ के दृष्टि से देखिएगा तो माँ के रूप में ही है, स्त्री के रूप में देखे तो स्त्री के रूप में भी है, बेटी के रूप में देखे तो बेटी के रूप में भी है। अगर आदि शक्ति दुर्गा के रूप में भी जब काल रूप पकड़ती है तो आदि शक्ति दुर्गा भी हो जाती है। जय हिंद जय भारत। हे प्रभु अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैंने सती को वचन देकर के आया हूं और सती से मैं क्या जवाब दूंगा? ये कोयल बोल रही है, कोयल पंछी आप क्या कहना चाहती हैं? बोलिए आप कौन है प्रभु? लोग मुझे दादा जी नाराज कहते हैं, सारे संसार मेरी ही रोशनी से प्रकाशित होती है और मैं एक सती को वचन देकर के आया हूं जो महाराज ज्योति को मैंने कुछ दिन पहले इसी जंगल में छोड़ के गया था लेकिन आज मैं देख नहीं रहा हूं। सबसे पहले हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए महाराज। सदा सुखी रहिए। आप कौन है? मैं कोयल बोल रही हूँ। कोयल? हाँ क्या कहना चाहती हैं आप? आप ज्योति के महाराज के खोजना चाहते हैं? हाँ। तो महाराज मैं ज्योति के महाराज के देखी हूँ, बताऊंगी, लेकिन पहले आप हमारे साथ सत कीजिए, जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे। हे पंछी संसार तो मुझसे जो मांगते हैं मैं देता हूँ। भगवान तो हर वक्त 84 लाख जीवों के पीछे भ्रमण करते हैं लेकिन ना तो उनके पास नेत्र है जो उन्हें पहचान सके, ना उसके पास धन है जो कि दान कर सके, उनके पास ना कोई आसन है जो भगवान को बिठा सके। बोलिए क्या चाहिए महाराज? हाँ जिस दिन ज्योति के महाराज आए थे तपस्या करने के लिए कदली वन में, अच्छा उसी दिन राज परौली से सती अपुरा ने हमें भेजाई थी। अच्छा एक कोयल तुम जाओ कितली बाल और बन के फल चोच में तोड़ करके लाना और हमारे पति को खिलाना और पंख से पानी दरिया से ला करके और हमारे पति को मुख में डालना। अच्छा हम वही काम कर रही थी तो हमें ना जाने कौन देवता हमें शराप दिए जो इस डाल में मेरा चंगुर सट गया। अच्छा। और आंख से हमें अंधी हो गई और पंख सब झर गया, न मैं उड़ सकती हूँ न आंख से देख सकती हूँ न मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं इसीलिए इसी सुखी हुई डाल पर बैठ करके सतनाम मैं भी जप रही हूँ। तो आप जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं उसी वृक्ष के नीचे ज्योति के महाराज तपस्या सतनाम करते करते उन्होंने मिट्टी का ढेर बन गए हैं, उनको या चरण छेद करके चंदन गाछ और मस्तक छेद के बरुण गाछ, सीना छेद करके या कुछ डाभी रुआ छेद करके कुछ डाभी जन्मा हुआ है। आप यदि या बरुण गाछ चंदन गाछ कुश डाभी अशोक गाछ यदि ये सब उखाड़िएगा
तो अंदर से ही ज्योति महाराज निकलेंगे। लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ, तो हमें आंख दीजिए और पंख दीजिए और इस डाल में से चंगुर छोड़ा दीजिए महाराज, अवश्य छूट जाएगा। और क्या मांगना चाहती हो? और क्या मांगू आपसे महाराज, मैं तो सत्यनाम जपती हूँ, मैं यही चाहती हूँ जब मैं ये अपने पक्षी पुरुषों से संपर्क न करके हमें संतान होना चाहिए। हाँ पंछी कोयल, बिना पुरुष को संपर्क का तुम्हारे पास संतान होगा? नीरज के फुआ जी की तरफ से बहुत बहुत रुपये का पुरस्कार, इस दास की तरफ से नमस्कार प्रणाम, पावन पवित्र जी की जय जयकार। बिना पुरुष का आपका बच्चा होगा हे पंछीराज, लेकिन जिस दिन सवाति का बूंद पड़ेगा, हल चलेगा, उस दिन आप स्वयं अपने आप को पति धर्म को मानकर अपने मुखारविंद को फाड़ेंगे। अगर एक बूंद भी सवाति का बूंद अगर आपके मुखारविंद में गिर गया तो आप गर्भवती हो जाओगे। दूसरी बात, मैं आपको वरदान देता हूं कि संसार में कितने व्याधा भी है, कष्ट शत्रु भी है, वो आपको कभी जीवन में नहीं मार सके, आपकी मृत्यु अपने इच्छा से होगी, यह मेरा प्रदान है। ठीक है महाराज, तो वही कुश्ता भी उखाड़िए। कौन पापी दुष्ट है जो पांच नींद में जगा दिया, जल्द अपना नाम बताओ और नहीं तो मैं शराब दूंगा जो तुम जान करके फंसा हो जाओगे। सतनाम सतनाम सतनाम, तेरे शराब से दीनानाथ जलने वाला नहीं है, जो कि स्वयं अपने प्रकाश से दुनिया को चला। सतनाम पहचानो, मैं वही ताता दीनानाथ हूँ। क्या बाबा दीनानाथ? हाँ क्षमा कीजिए महाराज। रंजन नारायण हरि बम बम महादेव, बम बम महादेव, बम बम महादेव। महाराज कवि ने कहा है कि धरनी गिरे भूप तत्काला, लागे दिल में सुन विशाला, अब तुम्हारी नर्मता से हमारी छाती फट रही है। ज्योति महाराज अब भी आखिरी वक्त, मैं तुझे अपने हाथों की छड़ी देता हूँ, इस छड़ी को पकड़ो और जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते की दूभी जल चुकी है, जब तू वापस जाओगे तो तुम्हारी चरण का धूल उस दूभी में लगने के बाद वो भी हरी हो जाएगा। जिस कुएं पे तूने पानी पीने के लिए गया था वो पोखर का पानी सूख गया था, आज तुम्हारे चरणों पड़ने से पोखर में पानी भी भर जाएगा। जिस वृक्ष के निकट तुम बैठने के लिए गया था, जो वृक्ष पतझड़ हो गई थी, आज तुम्हारे दर्शन से वो भी निर्मल हो जाए। और जिस दोस्त के यहां तुमने गया था, जिसका पुत्र तुम्हारे जाने से मर गया था, मैं तुझे ये जस का छड़ी देता हूं, सारी दुनिया में जिसे संकट होगा तुम सटा देगा, तुम्हारा दोस्त का पुत्र भी जीवित हो जाएगा। और जिस बहन को यहां तूने गया था, तुम्हारे बदन पर थूक के अपने राज से भगाई थी, वो बहन तुम्हें आदर पूर्वक अपने राज सिंहासन पर बैठाएगी। चलो मेरे साथ। महाराज हाँ। इतना जस इस छड़ी में है? हाँ ठीक है महाराज, हम तो ये बात को समझे थे नहीं, आपको निरादर किए, आपका प्रसाद भी जुटा किए, आपका शराब से 12 बरस हमने यह सत्यनाम को जपना किए, लेकिन आप आज यही जस दे रहे हैं, यही जस उस दिन भी आप दे रहे थे। हाँ ज्योति महाराज, ये तो देवताओं परमात्मा की जांच है। अगर पहले तो परमात्मा इस दुनिया में भक्त को भेजाते हैं, भक्ति के द्वारा रक्षक बनाते हैं, उसके दिल में अभिमान स्वाभिमानी भरते हैं, उसके पूर्वपक्षात उनको मारने के लिए स्वयं नारायण ही अवतार लेते हैं। धन है प्रभु, लेकिन महाराज एक जस और दीजिए। कौन सी जस? मैं 12 बरस आंखें बंद करके और यह ध्वनि जो रमाए हैं, वह छाई जो है
उस छाई में आप जस दीजिए। जब मैं किसी को भी इस या छाई दे देंगे तो उससे भला हो जाएगा। बम बम महादेव, बम बम महादेव, बम बम महादेव। ज्योति महाराज, ये छाई जिस अबला का संतान नहीं होगा, अगर आप दाता दीनानाथ का नाम लेकर के उसे अगर इसे आप दान में देंगे, उसे भी संतान हो। जो हमारी व्रत को करेगी, जिस बालक अंधा होगा वो नेत्र मांगने के लिए हमारा भक्ति करेगा, उसे नेत्र भी वापस कर दूंगा। धन है प्रभु। तो क्या अब हमको राज परौली चलना होगा? हाँ, आप मेरे साथ। क्या सती या पुराने याद की बात जो होती है? ठीक है, चलिए महाराज। अरे पाँव पर ले शाम के जहाँ जहाँ, अरे पाँव पर ले शाम के जहाँ जहाँ, अरे भाई रे आनंद महाराज। हाँ ज्योतिजी, आप कहे हैं जो बहन के यहाँ तुम गया था, बहन नहीं पहचाने थी, लेकिन इधर से जाने के बाद तुम्हें बहन पहचान लेगी। हाँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं रूप से मैं कुछ मिठाइयाँ तैयार कर लेता हूँ और मैं यार रूप का एक हाथी पर चढ़ करके और मैं जाता हूँ बहन के यहाँ, जो पहचानती है कि नहीं। आप बस सिर्फ दो मिनट का मौका दीजिए, मैं चलूंगा। ठीक 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 ठीक, जाइए। खुश रहो बहन, खुश रहो, खुश रहो। कहो समाचार ठीक है ना? ठीक है भैया, आप तो ठीक है ना? हाँ हाँ बहन, बोलिए कैसे कैसे आए भैया? इसमें खाली रस वाला मिठाइयाँ है इसमें। हाँ। अच्छा बोलिए। कहो बहन, तुम ठीक हो ना? हाँ हम तो बहुत ठीक है, आप ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बहन। हाँ क्या कुछ बैठने उठने के लिए नहीं कहोगी? बाप रे बाप, भैया आपको लिए तो हम लाल पलंग बिछाए। माई गे पदना कमाती भैया ले बिछा ना दे। क्या बहन, हमारे लिए तुम पलंग बिछा रही हो? नहीं ना, पलंग लगाए हुए हैं सोफा से। देखो ना ये, उठो मारेंगे बराबर। सुनो बहन, सुनिए भैया, आप बैठिए यहाँ पे, हम जाते हैं आज किसिम किसिम का भोजन बना करके लाते हैं और आपको खिलाऊंगी। आने किसिम किसिम के भोजन बनाओगी? हाँ, तस्माई पूरी हलवा। अच्छा, अच्छा। आज जितना होता है। लेकिन बहन सुनो। हाँ बोलिए ना भैया। या तुम्हारा भाई या पलंग पर नहीं बैठता है, हमारे लिए घोड़ा के घोड़सार में एक टूटी हुई चटाई बिछा दो, उसी पर मैं बैठूंगा। और खाने के लिए माखन मिश्री और तस्मई पूरी नहीं चाहिए, हमें चोकर चुन्नी के रोटी, गिंधरी के साग और बुचकट कटिया में पानी दे दो, मैं पी लूंगा और चले जाऊंगा। काय के लिए भैया, आपको हम काय के लिए वो सब में दे दें? हमको यहाँ बर्तन नहीं है क्या? नहीं बहन, तुम्हारे यहाँ लोग आते हैं तो तुम चोकर चुन्नी के रोटी खिलाती हो, जानकारी हुई है। कौन बोला है? हम तो कभी भी नहीं चोकर चुन्नी में रोटी खिलाते हैं। क्या किसी को नहीं खिलाई थी? ना कभी भी नहीं। मैं यदि सबूत बता दूं, याद नहीं है तुम्हें? हम तो किसी के दिए नहीं भाई। सुनो बहन, अरे फाटा 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 भैया धरती, आगे पहली के दुवरिया नहीं।
मैया आयती तो मैया है बोली बाला सो भैया जी, तुम तो कहती हो जे चोकर चुन्नी के रोटी गंधरी के साग बुचकर चटिया में पानी ये हमारे यहाँ का नौकर भी नहीं खाता है, लेकिन यार किसी को खाने के लिए तुम दी थी। सुनिए भैया, हमको से गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमको भैया। बहन, यह तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरा किस्मत का दोष है। जो प्रसाद जूठा किया हमने दीनानाथ को, उन्होंने शराप दिए, ये भी कहे थे कि जहां जाओगे तहां लात मार के तुम्हें भगा देगा, तो तुम कैसे पहचानोगी? इसीलिए तुमने हमको खाने के लिए चोकर चुन्नी के रोटी गिंधरी के साग और बुचकर कटिया में पानी दी थी पीने के लिए, बैठने के लिए यह घोड़सार में टूटी हुई चटाई। सुनो बहन, दुश्मन से दुश्मन भी कभी आवे दरबार में तो तुम ऐसा बिछावन और ऐसा खाना मत खिलाना बहन। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। जियो हमारी बहन, लाख लाख बरस जियो, ये हमारी किस्मत का दोष है, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है। ठीक है बहन, मैं अब जा रहा हूँ। सुनिए भैया, कुछ दिन तो रहिए तभी तो जाइएगा। बहन, यह तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही है, बहुत रो रही है, इसलिए हमें दीनानाथ ने केतली बन से बुला करके ले जा रहे हैं। राज परोली में जा रहा हूँ, फिर कभी आकर के मिल लूंगा मैं। ठीक है, तो जल्दी आइएगा। अब चलता हूँ मैं अपने दोस्त के यहाँ, जो हमें जाने से दोस्त का लड़का डेट कर गया था। मैं देखता हूँ जो उनको लड़का जिंदा होता है या नहीं। दोस्त, इधर आओ। हाँ दोस्त, दोस्त आइए आइए। दोस्त, हाँ दोस्त, आप तो बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, आप तो सब ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल सही, जितना भी सफेद हो गया था सर, एकदम बिल्कुल सही हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं है दोस्त। लेकिन आपका लड़कावा जो डेट किया था, वो लड़कावा कहाँ का गए थे? वैसा ही हम रखे हुए। क्या उसको बनेरी में टांग करके रखे हुए, मुझके रस्सी से गारा बंधन में बांध करके और खर में? ठीक है, उसे उठा करके हमारे सामने लाइए। ठीक है, यही है, यही है। दोस्त, हाँ दोस्त, आपका लड़का तो जिंदा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। दोस्त क्या कहे दोस्त, उस दिन से हमको दोनों प्राणी का खाना पीना बिल्कुल हराम में था, बुझिए। क्यों नहीं? ठीक है दोस्त, तो फिर कभी आकर के मिलूंगा आपसे, मैं जा रहा हूँ राज परौली। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो जय राम। आते जाते रहिएगा। ठीक ठीक, जय राम जी। जय जय। पक सुंदर कनवा, अरे पक सुंदर
माता के गर्भ में भक्ति कबूल ला तो हरि ने आके तुझे सुधी सदा सुहागवति भवा। आप आ चुके, मेरे पति जी को नहीं लाए? नहीं, ये तुम्हारे पति तुम्हारे पास। प्रणाम सामने। क्या आप अच्छा है ना बाबा? बाबा अब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए बाबा, हमारे पति जी आ गए, कुछ नहीं चाहिए आपसे। सती आपको नाम से मैं छठ व्रत करवाऊंगा और जाकर के प्रचार कर दूंगा, सभी आदमी को भी कह दूंगा जो किसी भी आदमी और बच्चा या सियान कोई भी छठ पर्व का नाम से जो भी प्रसाद होगा उसको जूठा नहीं करेगा। और माफ कीजिए। नहीं नहीं, हे सती, इस संसार में तो परमात्मा स्त्री को जन्म इसीलिए देते हैं कि अपनी जीवन से भक्ति को स्वर्ग बनाए, और नारी के लिए पति से बड़ा ईश्वर न तो ब्रह्मा है नहीं विष्णु है, और पुत्र के लिए माता से पिता से बढ़ के कोई संसार में देवी देवता ही नहीं है। ये राशि उल्टा नहीं है, तुम लोग को राशि खराब है। चलिए बोलिए दादा जी नाथ की हर हर महादेव। महाराज हाँ, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। हेलो, आहे चरता भुवन वास सती है घूरी फिरी अलियई नहे साती आहे बाकी रहा लई काम ए हमें जब जब ना सकते
महाराज, आप जानते हैं वो कामरू देश राज्य में 700 नैना मैना जोगन रहती है, वहाँ जो भी जाते हैं उसे जादू मार के वहाँ लोभा कर रख लेती है महाराज। आप मोहम्मद जाइए। सुन सती, यह बाबा दीनानाथ का आशीर्वाद है और हमें इतना जस दिए हैं, जो मारा हुआ आदमी को मैं जिंदा कर देता हूँ तो हमें क्या नैना मैना जोगिन वहां रख लेगी, उसके पास उतना शक्ति कहाँ से। लेकिन तुम कहती हो जो कोहबर आज तक नहीं किए, आज भी कोहबर कर लीजिए तो जाइएगा, लेकिन नहीं, मैं काम और देश से लौट के जब आऊंगा ना तो तुम्हारे साथ कोहबर का विध मैं जरूर कर लूंगा, लेकिन आज हमें जाने दो। ठीक है मैं, नहीं मानते हो तो जाइए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहो द्वारपाल। अरे द्वारपाल, कहिए राजा साहब, हमारी तबीयत ठीक नहीं लगता, जाओ माँ जी को बुला दो। ठीक, बुलाओ बुलाओ। माजी हमें तबीयत ठीक नहीं लगता माजी। क्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बोलूं? अतया जुती दमा उठलई न मैया है, आहे पर सऊती के आदर दिया न है मैया, आ जल्दी से है डागरिया। माजी आप पुत्रो जल्दी से डगरीन बुला दीजिए माजी, मैं बुला रही हूं, बहुत दर्द हो रहा है माजी। माजी ए डगरी, बोलिए मालकिन क्या बात है। ए जल्दी आओ, मेरी पुताओ के बाल खोने वाला है, जल्दी आओ। अच्छा तुमको पुताओ के, अच्छा ठीक आ रहे हैं। हेलो, आगे माई के माई, आगे माई के माई, हे बर्दाश्त करना है, आगे माई, बाप रे बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, हो जाए तैयार, तुम तैयार कुछ हो। आहा, आहा,
आगे चंपा डगरी थोड़ा कुछ मालूम हो कि ना राजपौली में महारानी सती अपुरा के बउआ हो जल्दी चल तू हम जोड़े अरे छौरा हम तो जब बाकी कुछ ना देती तोरा ले राजपौली में कमी है के सती अपुरा के तू जे कबाही से को जथी ए सुनना बाकी हम ऐसे ना जब कैसे जबी के जब सिंदूर के रोड बनवा दे और हम डोली कहार में जब तू ठहर जो पहले मलगिरी से पूछाई लाई मलगिरी जाओ रे जाओ तू घर उससे ले आओ डोली का हार लेकर के और उससे चोरी पर बैठा करके ले आओ और अब रख के रोड भी बनवा दो और 16 सिंगार बत्ती सौ भरन उससे दे करके और डगरी के बोला करके ले आओ डगरिन के दुआरिया लगे सती अनता हो बेटे माँ वो जो डगरी लाई है ना हाँ उसको नाम बख्शी जो भी देना है सोना चांदी रुपया पैसा जो भी देना है बाहर से बाहर ही कह दे दरबारी को दे देने के लिए अगर वो डगरी यानी कि ये भीतर आएगी मेरा देह छुएगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा माँ ठीक है बेटे माँ जी डगरी को जरूरी नहीं है डगरी को जो भी नाम देना है वो दे दीजिए डगरी वापस चली जाएगी और सुनो माँ
अगर वो डगरी बात नहीं मानेगी तो मैं ऐसा लात मारूंगा 80 हाथ पाताल में धसा दूंगा। मैं डगरीन का जरूरी नहीं है और लो डाल और सोना और डाल और चांदी, तुम यहां से चले जाओ बाने करना होती। ओ माने वो डगरीन के सोना चांदी रुपया पैसा दे दी है, वो डगरीन अपने घर के सीमान में चल दी है। मैं चरवाहा के भेद पर जाके मैं पूछता हूँ कि क्या तुम्हें नाम बख्शीश मिला है, वो मुझसे झूठ बोलती है सच, मैं जाके देखता हूँ। अरे सुनो, यही चंपा है। चंपा बोलो क्या बात है, कहाँ से आवा है? हम तो आ रहे हैं राज दरबार से। राज दरबार से? हाँ। कती रही हुआ? हुआ छठी रहा है। किनका? बधाई ला भी गेल ले ये बउआ होले रे ना। हाँ हाँ। ओकरे ओ यानी कि बधाइया लाने गए। हाँ। आगे आए आगे यानी बधाइया लावे गए ले तू, इनाम तो बहुत मिले होते। बक मार झाड़ू बाप रे बाप रे, हमरा तो चलते चलते गोड़ दुखा गेल। बक कहाँ कुछ दिल कई देखी, दिल कैसे बतवाइयो हम। सवा किलो मरवा दिल कई असवा गुरपैया दूर मार झाड़ू हम। बोलना तू बहुत झूठ बोलती हो, तुम्हें सोना चांदी रुपया पैसा तुम्हें बहुत मिला है, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोलती हो सवा किलो मरुआ और सवा को रुपया मिला है। बक हमरा कहाँ कुछ मिले है, वे सवा किलो मरुआ मिले है सवा को रुपया। लेकिन जाओ चंपा। हाँ। जैसे तुम मुझसे झूठ बोली हो कि सवा किलो मरुआ और सवा को रुपया मिला है, जाओ तुमको इतना ही रहेगा, इससे जागरे तुम्हें कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन सुन लो, मैं कौन हूँ, मेरा ही नाम है कारिक नंदलाल। जो जो सवे नाई भी छटो इतरा तरह रास्ता में छो रास्ता। अरे कहाँ गेली रे दरबारिया? अगर चंपा की बात हो गई। अरे अगे आप तो आई तरह लगा बहु कम का बाकी छाड़ा तो और सठो हंसी ये मजाक कर रही थी। अगे अरे सुन ना, हम ना गेल ललियो तन का हूँ वहाँ राज दरबार में जल ले ना प्रावली आओ ना मिल लो रा मारी बहुत कुछ मिल लो वहाँ जल ले ना। आई एगो छौड़ा भेटल रास्ता में जानी। हाँ। भैंसी चरवाहा कि कौन नहीं हम न जाना छी। हाँ। आ सुन जखने से बोल न तखने से नहीं ई में से हमरा ई हौला भेज जाए। अगे आए जो छौड़ा है कौन के बको छौड़ा कौन होते दे उतार त तन का हम देखैले। ला ला आगे माई गे माई जो गे चंपा गे तोहर दा भगवा खड़ा भगलो गे रे कथी कहिया गे कैसा तोहर भगवा है सुन ना उपदनक नाती बोललक ओए हमरा पड़ गेल मार झाड़ू बक चल चल ठीक है चल तू न प्राणी एहे में खा के गुजर कर चल। अच्छा ठीक जो हम जानली कि तोहर भागते खराब है। अरे बेटा ठीक से रहा।
जब कारिख बाबू के जन्म हो जाता है तो या घर घर में लोग बधाई गाने लगते हैं, बजाने लगते हैं, देवी देवता भी खुश हो जाते हैं। लेकिन कामर राज में नैना मैना जोगिन है, उसके पास 700 चेली है। कामर राज के यह दिया मुझ गई और जो सब झूला झूल रही थी, किसी को झूला टूट गया, किसी को हाथ टूट गया, किसी को पैर टूट गया, तो कामर राज में खलबली मच गया। जो कि यह नैना मैना जोगिन दोनों या खीस के मारे देखिए वह कैसे खलबला करके और दौड़ती है, नाचती है और सगुन उतारती है, पता लगाती है जो वह बाती या कैसे मुझ गई। हेलो झूला टूट गई। चल सगुन निकाल कर देख कि कौन दुश्मन जन्म ले। ठीक है भाई। आलू ना खोले दबिया सुतानी ना खोलेगे, सुतानी ना खोलेगे छू छू कर देबी, तू तो खोले बसिया भात गे छू छू कर देबी, तू तो खोले बसिया भात गे छू छू कर देबी। आलू ना खोले दबिया सुतानी ना खोलेगे, सुतानी ना खोलेगे छू छू कर देबी, तू तो खोले पता चल गया चली तेना दूदी न चलते बहना
हाँ बहना बोल यहाँ से चराज परौली हाँ हुए ज्योति महाराज के जन्म भेलै हा जन्म भेलै हा हाँ चल हुए ओकरा दूध पियावे के बहाना से ओकरा ले जाम हाँ खिलावेला खिलावेला हाँ दूध में जहर मिला के ओकरा पिया के मार देबै मार देल जाम कारिक महाराज के जन्म भेलै हा ठीक है चला सगुन तो उतार ले लिए पता चल गेलो आनी ले ले सुइया ले ले डोरा ले ले चलो करा कर हम सब ठीक है बहना चल राज परौली दूध में जहर मिला ले चल कारिक महाराज जन्म भेले ओकरा पिया के मार देल जते जबकि नैना मैना जोगिन या कारिक महाराज के मारने के लिए बहाना करने के लिए आंगी टोपी डारा डोरा यह सब लेकर के आ रही है और अपना अपना छाती में अने बीस का दूध भर करके ला रही है जो मैं किसी बहाना से लड़का को मांग करके और दूध पिला दूंगी और कारिक महाराज मर जाएगा तो हम लोग आजाद करेंगे नहीं तो ये हम जिंदा रह जाएगा तो यह सब कांवर राज के जितना जोगिन है सबको खत्म जोग खत्म कर देगा इसलिए आ रही है वह बहुत विकराल रूप बना करके कारिक महाराज अब क्या सोचते हैं इनको जानकारी हो जाता है इन्होंने अपने माँ को सात बार नींद दे देते हैं और नींद दे करके और जोगी के भेष में जाकर के सीमान पर उसे रोकते हैं जो कहीं यहाँ से बात मान करके लौट जाए तो ठीक है और न लौट लेगी तो उसके बाद जो होगा सो देखा जाए। ओ नैना मैना मुझे मारने के लिए आंगी टोपी सुइया डोरा यानी कि दूध में जहर भर के ला रही है मैं माँ को सात भर नींद दे देता हूँ मजाक को नैना मैना रोकता हूँ वो मेरा बात मानती या नहीं